आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ मिस्टर फिर से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में, जिनके बारे में आपको बहुत सारी वीडियो में गलत बताया गया है। और वो न्यूज़ ये है कि मतलब आखिरकार मिस्टर फिजू अभी कहाँ है, क्या वो इंडिया को छोड़ के भाग गए हैं? और मिस्टर फिजू की जो टिकटॉक आईडी बैन की गई है, इस पर कोर्ट का क्या फैसला आया? और मिस्टर फिजू अभी कोई भी अपनी कोई वीडियो अपलोड करके अपनी टीम 07 के साथ पब्लिकली माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे हैं? वो सिर्फ पोस्ट डाल के माफ़ी मांग रहे हैं, अपनी वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वीडियो के साथ बने रहेगा। और इससे रिलेटेड जो मिस्टर फिजू की जो आईडी बैन हुई, इससे रिलेटेड मैंने 3 वीडियो और बनाई जिस पे आपने बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हैं लड़का टेक। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ हटके। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार मिस्टर फिजू कोई भी वीडियो अपलोड करके माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे हैं अपनी टीम 07 के साथ में। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो मिस्टर फिजू है वो अभी इंडिया में नहीं है, ठीक है। अब आप कहोगे कि वो भाग गए, तो यार यहाँ पे वो भागे नहीं है, जो मतलब वो इंडिया से बाहर जाने वाले थे, इसकी जो जानकारी उन्होंने अपने सोशल अकाउंट्स पे ऑलरेडी पोस्ट डाल के दे दी थी, ठीक है। और ऐसे में हम नहीं कह सकते कि वो भाग गए हैं। और तो ऐसे में वो क्या है, अभी इंडिया में तो है नहीं, तो फिर अपनी टीम 07 के साथ कैसे वीडियो अपलोड करेंगे ऐसे मतलब रिकॉर्ड करके? तो इसलिए वो जो भी इनकी जो टीम के जो वीडियो आ रहे हैं उनमें एब्सेंस है। तो ये तो एक बात होगी। तो अब दूसरी बात की मतलब जो मिस्टर फिजू है उनके ऊपर मतलब जो वो खुद भी तो एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं ना, कोई अकेली वीडियो रिकॉर्ड करके। अगर बाई चांस मानते हैं कि वो अभी इंडिया से बाहर है तो खुद तो एक पर्सनली वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकते हैं। तो वो वीडियो रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं आपको जल्दी से वीडियो बना के बता दूंगा। तो अब दूसरा अपडेट ये कि मतलब आखिरकार मिस्टर फेसबुक से जो टिकटॉक बैन हुई, आईडी बैन हुई है, उस पर कोर्ट का क्या फैसला आया? तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब जो मिस्टर फेसबुक इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है तो फिर कोर्ट किसको लेकर सुनवाई करेगी? मिस्टर फेसबुक तो होना ही चाहिए ना यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे ये न्यूज़ है कि मतलब अभी तक कोर्ट की तरफ से मिस्टर फेसबुक की जो टिकटॉक आईडी बैन हुई उस पर कोई भी फैसला नहीं आया है। और जैसे ही इस पर कोई भी फैसला आता है तो फिर मैं आपको जल्दी से वीडियो बना के बता दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर है कोई भी सुझाव तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, आप आद रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।